बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। द लीडर्स ऑफ वन करिकुलम वन नेशन। बच्चों, आज का लेसन हमारा इंग्लिश बी का है और हमने लेटर ए की फॉर्मेशन यानी उसको लिखना सीखना है फोर लाइंस में। उसके लिए आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, समर पैक चाहिए और इंग्लिश की वर्कबुक चाहिए। अगर आपके पास ये रिसोर्सेज हार्ड कॉपी में मौजूद नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके बुक, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और समर पैक सबको डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर ए नर्सरी एंड द लेसन इज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। टेबल ऑफ कॉन्टेंट है। टेबल ऑफ कॉन्टेंट में हमारा सेक्शन था वोकैबलरी फॉर द लेटर ए और आज उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस हमने पेज नंबर 11 पे करनी है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन है कि आइडेंटिफाई एंड ट्रेस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए विद करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर लाइंस। आपको याद होगा कि कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाले लव्स और उसकी आवाज़ ए को हमने प्ले ग्रुप में भी पढ़ा था और अब हम इसको रिवाइज करें हैं। तो इस क्लास टास्क के लिए रेडी हो जाएं और अपनी बुक पेज नंबर 11 पे खोल लीजिए। ये पेज नंबर 11 का वो पार्ट है जो आपने सबसे पहले करना है, ट्रेस कैपिटल ए एंड सर्कल द रिलेटेड पिक्चर। इस कैपिटल ए की फॉर्मेशन के लिए आपके सामने फोर लाइंस गिवन हैं, इन्हीं में आपने कैपिटल ए लिखना है और नंबर्स को फॉलो करना है। वन से डाउन, फिर पेंसिल उठा के टू से डाउन, फिर स्लॉट में थ्री को मिला के ए की शक्ल मुकम्मल कीजिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने तमाम कैपिटल एज को डॉट मिला के कम्प्लीट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपने कैपिटल ए को ट्रेस कर लिया होगा और अब आप सर्कल द रिलेटेड पिक्चर की तरफ आ गए। इन दोनों दी हुई तस्वीरों में से जो सी तस्वीर एक की आवाज़ से शुरू होती है उसको आपने सर्कल करना है। यह है बॉल और यह है एप्पल। तो हमें याद है कि ए से एप्पल था, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। प्लीज कर लीजिए और आगे बढ़िए। अब ये पेज नंबर 11 का बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पे आपने स्मॉल ए को ट्रेस करना है और उससे रिलेटेड पिक्चर को सर्कल करना है। तो वही तरीका होगा, आपने सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना है, अपने स्मॉल ए को ट्रेस करना है इन डॉट्स के ऊपर और उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करना है। मुझे उम्मीद है आपने स्मॉल ए को ट्रेस कर लिया होगा और अब हम वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। दी गई तस्वीरों में एक बैग है और एक एंट है और टास्क हमारा ये है कि हमने ऐसे बनने वाली तस्वीर को सर्कल करना है। तो ये तो बैग है, ये सर्कल नहीं होगा, ये रॉन्ग है। लेकिन एंट हमने जैसे पढ़ा था, ए इज फॉर एंट, इसको हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट इज राइट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन द गिवन लाइंस। ये लेटर है ए और इसकी आवाज है ए, इसकी ट्रेसिंग अब हम दोनों की इकट्ठे इन लाइंस के ऊपर करेंगे। आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन लाइंस के ऊपर कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखिए। आगे बढ़ते हैं होम टास्क की तरफ। आपने कैपिटल ए और स्मॉल ए को आज ट्रेस करना सीखा है और उसके साथ रिलेटेड वोकैबुलरी को सर्कल किया है। हमने सर्कल किया है एप्पल को और हमने सर्कल किया है एंट को और ये दोनों अल्फाज ए की आवाज़ से यानी कैपिटल ए से भी बनते हैं। एप्पल अगर आप कैपिटल से लिखें, एंट कैपिटल से लिखें, तो आवाज़ इस फोनिक की, इस लेटर की आवाज़ ए है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। इसी बात को रिपीट करते हुए, रिवाइज करते हुए अब आपने कल ये होम टास्क के तौर पे पेज नंबर 6 करना है अपनी वर्कबुक का। सेम टास्क है, पहले आपने कैपिटल ए की लाइंस को फिल करना है और उसके बाद आपने उसकी आवाज़ ए की लाइंस को फिल करना है। और जब आप ये काम कंप्लीट करके अपने स्कूल भेजेंगे तो टीचर आपके यहाँ पे आपको यकीनन एक स्टार या स्माइली फेस भी देगी। नेक्स्ट फॉलोइंग डे पे आपने अपना होम प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर करनी है क्योंकि हम राइटिंग की प्रैक्टिस करें हैं, तो
समर पैक के पेज नंबर 9 पे आपको मजीद प्रैक्टिस करने को मिलेगी। फॉर द कैपिटल लेटर ए आपने डॉट्स ज्वाइन करने हैं, गिवन वोकैबुलरी में कलर करना है और फोर लाइंस में कैपिटल ए की ट्रेसिंग करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कैपिटल ए और उसकी आवाज़ ए की ट्रेसिंग की होगी और यकीनन दो दिन के बाद जब आप कैपिटल ए और स्मॉल ए की प्रैक्टिस अपनी वर्कबुक और समर पैक में करेंगे तो आपका यकीनन लेटर फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी। याद रखिएगा अपनी पेंसिल को ट्राइपॉड शक्ल में पकड़ के फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, आइंदा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।